नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2025 में होंगे और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी गोटियां सेट करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल बिहार की राजनीति में ये दिलचस्प वाक्य है, क्योंकि बीते कुछ सालों से चिराग और नीतीश कुमार के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, लेकिन आखिर में नीतीश को चिराग ने अपना नेता मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि चिराग के सामने ऐसी आखिर क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बीते दिनों लोजपा रामविलास ने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के हिस्से के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी का यह भी कहना है कि उसने सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और बैठक के बाद लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे ने यह कहा कि पार्टी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये भी तय किया गया है कि पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करते समय पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की विचारधारा को ध्यान में रखा जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने में अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी है और चिराग पासवान की पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें ये कहा गया है कि सभी पार्टियां सभी जाति पंथों और संप्रदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार करती हैं और गरीब वंचित एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो वहीं पर अब बात आती है कि चिराग कैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। दरअसल लोजपा रामविलास प्रमुख को समझ आ गया है कि एनडीए के अंदर रहते हुए बिहार में नीतीश कुमार से बैर रखना सही नहीं है और यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार के सुर में सुर भी मिलाए थे। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया था और इसका समर्थन चिराग ने भी किया। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत जनता के हित में है और ये मांग तो वो हमेशा से ही करते रहे। चिराग पासवान ने उस समय भी नीतीश कुमार का समर्थन किया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता अश्विनी चौबे ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। चौबे के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सूबे का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इस पर चिराग ने हामी भरते हुए साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार ही चुनाव में एनडीए का नेतृत्व संभालने वाले। चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पड़ताल ठोक चुके हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर भी हुए थे जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चिराग अपनी पार्टी के लिए हर वो दाव चल रहे हैं जिससे उन्हें सियासी तौर पर एक बड़ा फायदा हो और वो नीतीश कुमार से तालमेल बैठाकर विधानसभा में अपना वजूद बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में उनकी धमक बढ़ चुकी है और पार्टी एनडीए नेतृत्व में जिन 5 सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतरी थी उन सभी पर जीत हासिल की है और चिराग केंद्र में मंत्री बनाए गए। उनके बारे में ये कहा जाने लगा है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही सियासी मौसम भांपने लगे हैं और उसी आधार पर अपनी रणनीतियों को सेट भी करते रहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान किस तरह से अपनी पार्टी को और मजबूत करते हैं और जमीनी स्तर पर चिराग पासवान बिहार में कितने निखर के सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।